नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेएजे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस अब यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए ड्रोन की मदद लेगी। इससे एक ओर जहां यातायात को सुव्यवस्थित किया जाएगा तो वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से दून पुलिस द्वारा तिराहा चौराहा पर स्टॉप लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग पर नियंत्रण निगरानी रखते हुए उनका उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा साल 2024 में अब तक स्टॉप लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन का उल्लंघन करने वाले 2525 वाहन चालकों के खिलाफ ड्रोन के माध्यम से चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से ही बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले भी लगातार निगरानी में रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही वाहन चालक पुलिस की नजर से बचते हुए गलियों से कट मार कर बिना हेलमेट शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिस पर ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं साल 2024 में अब तक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 864 वाहन चालकों के खिलाफ ड्रोन के माध्यम से चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों के उल्लंघन के अन्य मामलों में 2125 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। वहीं ड्रोन के माध्यम से दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जा रही है। वहीं दून पुलिस आमजन से अपील भी करती है कि वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा चालान के लिए तैयार रहें, क्योंकि ड्रोन की पैनी नजर हर वक्त उनके ऊपर है। फिलहाल खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज़। धन्यवाद।